गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपना इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको वो चैप्टर समझ में भी आया होगा और आपने उसका वर्क भी अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा, अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया होगा, रिटर्न वर्क किया होगा। तो बेटा आपको साथ साथ में चलना भी होगा, इसलिए आपको रोज़ रिवाइज भी करना है और जो उसकी हार्ड वर्ड्स हैं, मीनिंग्स है, उसको रोज़ लर्न करना है और हमारी जो स्पेलिंग्स हैं हमें उन्हें भी अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि कौन सा है, चैप्टर 2 द स्मार्ट थीफ। द स्मार्ट थीफ, अब बेटा इसमें देखो क्या दिखाया गया है, एक चालाक चोर। द स्मार्ट थीफ, स्मार्ट मतलब चालाक, थीफ मतलब चोर, ठीक है। सबसे पहले हम अबाउट द चैप्टर, चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। देखो बेटा, देयर इज़ नो बडी, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में, हु हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। लाई मतलब झूठ, जिसने आज तक कोई भी झूठ नहीं बोला हो। देयर इज़ नो बडी इन द वर्ल्ड हु हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पूरी दुनिया में कभी झूठ ना बोला हो। और स्टोलन समथिंग एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ, स्टोलन मतलब होता है चोरी करना। ये बताना चाहता है कि ऐसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने आज तक कभी झूठ ना बोला हो और या फिर कुछ चुराया ना हो। इन दिस एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ, कम से कम एक बार तो, कम से कम एक बार तो उसने कहीं ना कहीं झूठ बोला होगा या फिर उसने कहीं ना कहीं चोरी की होगी, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज गिव इट अ सेकेंड थाट बिफोर पनिशिंग अ पर्सन फॉर अ रॉन्ग डीड। देखो बेटा, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, गिव इट अ सेकेंड थाट बिफोर पनिशिंग अ पर्सन, हमें उसे सेकेंड चांस देना चाहिए, उसको पहली बार में ही पनिश नहीं करना चाहिए, उसको साबित करने का उसको सेकेंड चांस देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज गिव, हमें हमेशा क्या देना चाहिए, इट अ सेकेंड थाट बिफोर पनिशिंग, मतलब उसे दूसरी बार सोचना चाहिए उसको दंड देने से पहले। अ पर्सन फॉर अ रॉन्ग डीड, डीड मतलब काम, हमें उसे क्या करना चाहिए, पनिशमेंट देने से पहले या फिर उसका रॉन्ग काम, फॉर अ रॉन्ग डीड, उसके गलत काम को सोचने से पहले, सेकंड बार पनिश करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। दिस स्टोरी थ्रोज द लाइट ऑन द सेम आइडिया, ये स्टोरी क्या करेगी, हमको भी उसी तरीके से सिखाएगी, ठीक है। थ्रोज द लाइट ऑन द सेम आइडिया, हमको उसी तरीके से आइडियाज़ देती है। अब देखो बेटा, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमने अबाउट द चैप्टर मतलब चैप्टर के बारे में जान लिया है कि चैप्टर किस पे आधारित है, एक चोर पर और झूठ बोलने पर आधारित है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है बेटा, मैनी ईयर्स अगो इन अ विलेज, बहुत समय पहले की बात है, मैनी बहुत काफ़ी समय की पहले की बात है, मैनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले की बात है, इन अ विलेज एक विलेज में, देयर लिव्ड अ पुअर मैन, जहाँ कौन रहा करता था, एक गरीब, गरीब पुअर मतलब बेचारा सा मैन रहा करता था, आदमी रहा करता था। मैनी ईयर्स अगो इन अ विलेज देयर लिव्ड अ पुअर मैन, ठीक है। वन डे मतलब एक दिन, ही वॉज सो हंग्री, उसने क्या किया, वो बहुत भूखा था, ही वॉज सो हंग्री, एक दिन वो बहुत ज़्यादा भूखा था। दैट ही स्टोल, स्टोल मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टोलन चोरी करना, ठीक है। दैट ही स्टोल, स्टोल मतलब चोरी करना, एन एप्पल फ्रॉम अ शॉप, उसने क्या किया, वो बहुत भूखा था तो उसने एक एप्पल चोरी कर लिया, कहाँ से, एक शॉप से, ठीक है, एक एप्पल चोरी कर लिया एक शॉप से। तो देखो सुनो क्या हुआ बेटा, जैसे फ्रूट सेल करते हैं ना, तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही इस हंगरी मैन ने जैसे फ्रूट चोरी किया, मतलब एक एप्पल को चोरी किया शॉप से, तो जो फ्रूट सेलर था उसने क्या किया, देख लिया उसे। द फ्रूट सेलर कॉट हिम, कॉट मतलब पकड़ना, CAUGHT कॉट। द फ्रूट सेलर कॉट हिम एंड टुक हिम टू द एम्परर, देखो बेटा क्या किया, फ्रूट सेलर ने देख लिया उसको चोरी करते हुए, तो उसने क्या किया, उसको कॉट मतलब पकड़ा, उसे पकड़ा एंड टुक हिम टू द एम्परर, और किसके पास लेके गया, एम्परर मतलब कि जो महाराजा हुआ करते थे ना, पहले के टाइम में सभा होती थी, कोर्ट होते थे,
अभी भी कोर्ट होते हैं बेटा, पर एम्परर मतलब वहाँ के सम्राट, वहाँ के महाराजा पूरे डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। अभी तो क्या होते हैं, एडवोकेट वगैरह होते हैं ना, तो पहले क्या हुआ करते थे, एम्परर हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे। तो वो वहाँ लेकर गया एम्परर्स कॉट टू बी पनिश्ड, उन्होंने क्या किया, अदालत में ले गए उसको, वहाँ की जो अदालत थी वहाँ लेकर गए। और वैन द एम्परर केम इन, एम्परर मतलब सम्राट, वहाँ का महाराज, जैसे ही वो वहाँ आया, वैन द एम्परर केम इन द थीफ सेड, तो थीफ मतलब चोर क्या बोला, सेड मतलब बोलना, थीफ मतलब चोर, द थीफ सेड इफ़ यू पार्डन मी योर मेजिस्टी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, किसको बोलते हैं महाराज को, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल डर सा गया था, तो उसने क्या बोला, वेन द एम्परर केम इन, जैसे ही सम्राट आया मतलब महाराजा आया वहाँ का, जो भी महाराज थे जो सम्राट थे, जैसे ही कोर्ट में आए, द थीफ सेट, तो चोर क्या बोला, इफ़ यू पार्डन मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, योर मेजिस्टी महाराज, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, आई एल गिव यू अ प्रीशियस प्रीशियस गिफ्ट, मैं आपको एक अनमोल गिफ्ट दूंगा। ये कौन बोलता है, चोर बोलता है, किसको, महाराज को, महाराज को बोल रहा है कि अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं क्या दूंगा आपको, एक प्रीशियस गिफ्ट दूंगा, प्रीशियस मतलब अनमोल, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत अच्छी हो और बहुत रेयरली मिलती हो, ठीक है, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये क्या होते हैं, प्रीशियस होते हैं, ठीक है, तो प्रीशियस गिफ्ट दूंगा, किसने बोला, थीफ ने बोला, मतलब चोर ने बोला, किसको, सम्राट को, मतलब एम्परर को, इफ़ यू पार्डन मी, अगर चोर बोलता है, अगर आप मुझे माफ़ कर देते हो महाराज, तो मैं आपको क्या दूंगा, एक प्रीशियस गिफ्ट दूंगा। द एम्परर लुक्ड एट द मेन्स, एम्परर क्या करता है, देखने लगता है, किसको, आदमी को, मतलब चोर को, देखने लगता है, द एम्परर लुक्ड एट द मैंस टोन, टोन मतलब फटे हुए, टोन मतलब फटे हुए कपड़े, टोन क्लोथ्स, तो उसने क्या करता है, महाराज जो है वो देखता है किसकी तरफ, चोर की तरफ, चोर की तरफ देखता है और क्या बोलता है, टोन क्लोथ्स एंड लाफ्ड, वो उसकी तरफ देखता है, बोलता है फटे हुए कपड़े, और उसके फटे हुए कपड़े देख के हंसने लगता है, कौन, महाराज, द एम्परर लुक्ड एट द मैन स्टोन क्लोथ एंड लव्ड, जैसे ही एम्परर उसके फटे हुए कपड़े देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है, ठीक है, व्हाट कैन अ पुअर मैन लाइक यू गिव मी, तुम एक पुअर इंसान हो, एक गरीब इंसान हो, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो, कौन बोलता है, महाराज बोलता है, महाराज बोलता है तुम तो खुद ही एक चोर हो, तो मुझे क्या दे सकते हो, ठीक है। तो बेटा जैसे ही वो बोलता है ना महाराज कि तुम तो खुद ही एक गरीब से इंसान हो, मुझे क्या दे सकते हो, द थीफ पुल्ड आउट अ स्मॉल, थीफ ने क्या किया, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब अपने पॉकेट से एक सीड, देखो द थीफ पुल्ड आउट अ स्मॉल ब्राउन एप्पल, उसने अपने पॉकेट से क्या निकाला, ब्राउन एप्पल का सीड, सीड मतलब जानते हो ना बेटा क्या होता है, बीज, कोई भी पौधा उगाते हैं, कोई भी कुछ भी प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है, सीड देने पड़ते हैं, मतलब हमें उसमें बीज डालने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, द थीफ पुल्ड आउट अ स्मॉल, थीफ ने क्या किया, अपने जो उसका पॉकेट था उसमें से एक स्मॉल ब्राउन एप्पल का सीड निकाला, मतलब एक भूरे रंग का एप्पल था, उसका क्या निकाला, सीड मतलब बीज निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, किसने निकाला था, चोर ने मतलब थीफ ने। व्हेन दिस सीड इज प्लांटेड, तो उसने क्या बोला, महाराज जैसे ही आप, जब व्हेन दिस सीड इज प्लांटेड, जब आप इस सीड को प्लांटेड मतलब उगाओगे या बोओगे, बोना बोलते ना अपन, बीज को डालते तो अपन बोलते ना बोने जा रहा हूँ मैं, पौधा उगाने जा रहा हूँ, व्हेन दिस सीड इज प्लांटेड योर मेजिस्टी इट विल बी अ फ्रूट ऑफ गोल्डन इन अ डे, जैसे ही आप इसको उगाओगे तो क्या होगा, एक दिन इसमें से सोने का, सोने जैसा एक फ्रूट निकलेगा, सोने के सुनहरे रंग के फ्रूट निकलेंगे, किसने बोला, थीफ ने बोला, थीफ ने क्या बोला कि अगर आप इस सीड को अपने गार्डन में अगर उगाते हो तो क्या होगा, एक दिन इसमें से क्या निकलेगा, गोल्ड का फ्रूट निकलेगा, प्लांट इट देन, तो कौन बोलता है, एम्परर बोलता है, सेट सेट द एम्परर प्लांट इट देन, तो ठीक है आप इसे प्लांट कर दो, प्लांट मतलब इसको बो दो, किसको बोलता है, थीफ को, कौन बोलता है, महाराज, प्लांट इट देन सेट द एम्परर, वो थीफ को बोलता है कि इसको प्लांट कर दो मतलब इसको बो दो, कौन बोलता है, एम्परर बोलता है, टुमारो व्हेन आई सी,
एम्परर बोलता है जैसे ही कल होगा तो व्हेन आई सी, जब मैं इसे देखूंगा तो उसमें से गोल्डन कलर का एप्पल निकलेगा. क्या निकलेगा? उसने बोला था ना कि अगर आप क्या करोगे, इसमें से अगर प्लांटेड कर दोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, गोल्डन कलर का कुछ फ्रूट्स निकलेंगे. तो क्या बोलता है, टुमारो व्हेन आई सी, कौन बोलता है, एम्परर बोलता है कि एम्परर पहले तो थीफ को बोलता है कि इसे बो दो. तो मैं एम्परर ने बोला तो बोलता है कि जैसे ही मैं इसे कल देखूंगा तो उसमें से क्या निकलेगा, एक गोल्डन कलर का एप्पल निकलेगा. आई अलाउ यू टू गो फ्री. अगर ऐसा हुआ, अगर इसमें से गोल्डन कलर का एप्पल निकलता है तुम्हारे सीड प्लांट करने के बाद, तो मैं तुम्हें नहीं कोई सज़ा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने क्या किया, चोरी की थी. किसकी? एक एप्पल की चोरी की थी. अगर इसमें से गोल्डन एप्पल निकलता है तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा. कहाँ से? कोर्ट से फ्री कर दूंगा, निकाल दूंगा बिना किसी पूछताछ के. द थीफ वॉज टेकन टू द गार्डन. एक जो थीफ है उसको कहाँ ले जाया गया? गार्डन में लेके जाया गया. ठीक है, उसको क्या बोला गया कि चलो आप गार्डन में चलो. द थीफ वॉज टेकन टू द गार्डन. जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं ना, उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि उनको कहाँ लेके गए, थीफ को कहाँ लेके गए, गार्डन में लेके गए. When he had dug a hole, उसने वहाँ क्या किया, जब उसने एक dug मतलब उसने होल किया. क्या? क्योंकि जब हम प्लांट सीड करते हैं तो क्या करते हैं, एक होल करते हैं, उसके बाद उसमें प्लांट्स डालते हैं, फिर हम सॉइल डालते हैं, सॉइल डालने के बाद करते हैं वाटर डालते हैं. ठीक है, ही गॉट अप. उसने क्या किया, द थीफ वॉज टेकन टू द गार्डन. वो उसको गार्डन में लेके गए और जैसे ही थीफ ने क्या किया, ही डग अ होल, उसने एक होल करा. किसमें? ज़मीन में, अर्थ में एक होल किया. ही गॉट अप, वो उठ गया. फिर वो उठ गया, होल करने के बाद वो क्या हो गया, उठ गया. बट यू हैव नॉट प्लांटेड द सीड. कौन बोलता है? सेड द एम्परर, कि तुमने छेद तो कर दिया, खड्डा तो खोद दिया, पर उसमें सीड तो प्लांट किए नहीं, मतलब बीज तो डाले नहीं. जैसे ही उसने क्या किया, बट यू हैव नॉट प्लांट द सीड, सेड द एम्परर. तुमने क्या किया, इसमें प्लांट्स तो, खड्डा तो खोद दिया पर उसमें बीज तो डाले नहीं. ठीक है, बट यू हैव नॉट प्लांट द सीड. अब देखो बेटा आगे देखते हैं. यू हैव नॉट प्लांट द सीड. ठीक है, तो देखो क्या बता रहा है इसमें. I can't do it because I am a thief. मैंने खड्डा तो खोद दिया बट मैं इसमें सीड प्लांट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक चोर हूँ. कौन हूँ मैं? एक चोर हूँ. वो बोलते हैं मैंने इसमें सीड तो प्लांट कर दिया, अगर मैंने इसमें छेद तो कर दिया, होल तो कर दिया, बट मैं इसमें सीड प्लांट नहीं कर सकता. आई कांट डू इट बिकॉज आई एम अ थीव. मैं एक चोर हूँ तो मैं इसे नहीं डाल सकता. दिस इज़ अ मैजिक सीड. वो बोलता है ये जो बीज है मैजिक, एक मैजिक वाला है, मतलब बहुत सुपर नेचुरल पावर होती है उसमें, नेचुरली है इसमें. तो ठीक है, वो क्या बोलता है, ये मैजिक वाला सीड है, मैं इसे प्लांट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक चोर हूँ. उसे केवल कौन प्लांट कर सकता है, जिसने कभी भी ज़िंदगी में कभी चोरी ना की हो और ना ही कभी झूठ बोला हो. Only a person who has never stolen, cheated or told a lie. बेटा देखो, stole क्या था, हमने पीछे पढ़ा चोरी, तो stole की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, stolen. ठीक है, इसमें ये बोला गया only a person who has never stolen, वही person उसको सीड कर सकता है, मतलब प्लांट सीड कर सकता है, जिसने ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला हो और ना ही कोई चोरी की हो. कैन प्लांट दिस, वही इंसान इसे प्लांट कर सकता है, मतलब इस मैजिकल सीड को वही प्लांट कर सकता है जिसने ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं की हो. योर मैजेस्टी यू शुड प्लांट दिस सीड. तो क्या बोलता है, मैजेस्टी मतलब महाराज, आप इसे प्लांट कीजिए, आपको इसे प्लांट करना चाहिए. यू शुड प्लांट दिस सीड, आप इसे प्लांट कर सकते हैं, मतलब आपको इसे प्लांट कर देना चाहिए, मतलब सीड को प्लांट कर देना चाहिए, मतलब अंदर बो देना चाहिए. ठीक.
ठीक है। अब बच्चों हम इसका हाफ चैप्टर है जो इसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको इतना तो चैप्टर समझ में आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। कुछ सस्पेंस हम कल के लिए बचा के रखते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।